हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब से इस रॉ में ये चीज अनाउंस हुई है कि ब्रॉक लेसनर एंटर करने वाले 30 मैन रॉयल रंबल मैच में नंबर 1 पर, तब से सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर को कोई सुपरस्टार एलिमिनेट करता है देन वो कौन सा सुपरस्टार होगा, क्योंकि वो सुपरस्टार को आगे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है WWE चैंपियनशिप के लिए। बट क्या हो अगर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर हार ही नहीं बल्कि जीत जाए 30 मैन रॉयल रंबल मैच को, और ये ऐसा होगा क्यों, उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्मैकडाउन के लिए कन्फर्म हुए और 2 बड़े थिंग्स के बारे में, इसके अलावा कौन सुपरस्टार बन चुका है रेसलर ऑफ द ईयर 2019 में। तो गाइस इन सब अपडेट्स में सबसे पहले इसी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी है आखिर किस सुपरस्टार को मिला है रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 में। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये PWI हर साल अपनी लिस्ट निकालती है जिसमें से पिछले 3 साल से यानी कि एजे स्टाइल 2016, 2017 एंड 2018 में PWI के अकॉर्डिंग बने हुए थे रेसलर ऑफ द ईयर। बट इस ईयर या कहा जाए 2019 में PWI के लिस्ट के अकॉर्डिंग रेसलर ऑफ द ईयर जो है वो कोई और नहीं, वो है एडम कोल NXT से, जो कि ये NXT चैंपियन। एंड नंबर 2 के स्पॉट पर जो सुपरस्टार है वो कोई और नहीं, वो है क्रिस जेरिको। इसलिए कह सकते कि AEW चैंपियन क्रिस जेरिको है नंबर 2 पर एंड NXT चैंपियन एडम कोल है नंबर 1 पर। इसलिए कह सकते हैं इस लिस्ट में भी NXT वर्सेस AEW के बीच तगड़ी वॉर चल रही है। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है 2 काफी बड़े थिंग के बारे में जो कि कंफर्म हो चुकी है कल होने वाली स्मैकडाउन के लिए। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप सबको सारी चीज बता दी थी कि आखिर हमें कौन कौन सी थिंग देखने को मिलने वाली है इस वीक के स्मैकडाउन में एंड हमें क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसलिए अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। बट उसके बाद WWE ने और 2 बड़े थिंग्स कंफर्म कर दिए इस वीक के स्मैकडाउन के लिए। पहली थिंग ये है कि हमें मिश टीवी देखने को मिलेगा जहां पर हमें स्पेशल गेस्ट रहते हुए दिखेंगे और कोई नहीं बल्कि जॉन मॉरिसन, यानी कि जॉन मॉरिसन को ऑफिशियली रिटर्न होने वाला इस वीक के स्मैकडाउन में। एंड हमें मिश भी एक्सप्लेन करते हुए दिखेंगे उनके लास्ट वीक के एक्शन को, जो कि उन्होंने मैच खत्म होने के बाद कोफी किंगस्टन पर अटैक किया था। इसलिए अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमें जॉन मॉरिसन भी एक हील की तरह ही देखने को मिलते हैं एंड वो मिश के साथ मिलकर एक टीम फॉर्म करते हैं, या फिर हमें कुछ शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है इस वीक के स्मैकडाउन में। वही बात करें अपने अगले थिंग के बारे में जिसे WWE ने कंफर्म कर दिया है इस वीक के स्मैकडाउन के लिए, तो वो है एक टैग टीम मैच जो कि होगा दी उसोस वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर एंड किंग कॉर्बिन के बीच। अब आप सबको पता ही है ये मैच क्यों हो रहा है एंड यहाँ पर हमें किंग कॉर्बिन एंड डॉल्फ ज़िगलर की मदद करते हुए एक बंदा दिख सकता है जो कि है रॉबर्ट रूड। वो मैंने आप सबको अपनी पिछले वीडियो में बताया कि आखिर क्यों हमें इस वीक रॉबर्ट रूड का रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड हम सबको पता ही है अगर रॉबर्ट रूड ज्यादा इंटरफेयर करते हैं देन हमें उसोस की तरफ से रोमन रेंस भी आते हुए दिख सकते हैं। इसलिए हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंस हमें अपना बदला लेते हुए दिख सकते हैं किंग कॉर्बिन से। वहीं बात करें अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट या कहा जाए टॉपिक के बारे में जो कि जुड़ी है कि अगर ब्रॉक लेसनर हमें इस साल का रॉयल रंबल जीतते हुए दिखते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन होगा एंड वो क्यों जीत सकते हैं इस साल का 30 मैन रॉयल रंबल मैच। तो सबसे पहले आप सबको करंट बैटिंग ऑर्ड्स बता दूं, तो बैटिंग ऑर्ड्स मेरे वीडियो बनाने के 2-3 घंटे पहले निकल कर आई है, जो कि आप सब सुनकर थोड़े शॉक तो हो जाएंगे क्योंकि ब्रॉक लेसनर जहां पर नंबर 2 में आ गए थे बैटिंग ऑर्ड्स में वो डायरेक्ट नंबर 6 में चले गए एंड नंबर 2 पर आ गए केन वेलास्केस एंड नंबर 1 पर स्टिल बने हुए हैं रोमन रेंस। अब मैंने आप सबको पहले बताया कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर के जीतने के काफी कम चांसेस है, बट अगर हमें WWE शॉक देना चाहती है देन यहां पर हमें ब्रॉक लेसनर जीतते हुए दिख सकते हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच। एंड जब भी पॉल हेमन कहते हैं कि ये प्रेडिक्शन नहीं ये स्पॉइलर है देन अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब भी पॉल हेमन ने ये चीज कही है वो आज तक रॉन्ग नहीं हुई है। इसलिए कह सकते हैं कि अगर रॉयल रंबल में जाकर रॉन्ग होती है देन ये एक बड़ी थिंग साबित हो सकती है, बट ये सब तो एक स्पेकुलेशन है। वहीं बात की जाए उस रीजन के बारे में जिसके वजह से हमें ब्रॉक लेसनर जीतते हुए दिख सकते हैं इस साल का रॉयल रंबल मैच, तो वो जो है वो है एक ड्रीम मैच जो कि हमें पॉसिबली देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में द फिंड ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच। अब ये मैच हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को नहीं मिला था जब WWE ने चैंपियंस वर्सेस चैंपियंस की थीम रखी थी, तभी हमें समझ में आ गया था कि WWE ब्रॉक लेसनर और फिंड की मैच फ्यूचर के लिए बचाकर रखना चाहती है। इसलिए क्या पता ब्रॉक लेसनर इस साल का रॉयल रंबल जीतकर चैलेंज कर दी फिंड को उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एंड हमें फिर से हमें रेसलमेनिया 36 के मेन इवेंट में विनर टेक ऑल मैच देखने को मिले जहां पर WWE एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों ऑन द लाइन हो। तो गाइस यही वो एक बड़ा रीजन था जिसके वजह से हमें ब्रॉक लेसनर जीतते हुए दिख सकते हैं इस साल का रॉयल रंबल मैच। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अब ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल 2020 जीतते हुए देखना चाहते हैं या फिर किसी और सुपरस्टार को एंड वो सुपरस्टार कौन है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।